नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। वर्ल्ड कप में टीम को मजबूत बनाने के लिए इंग्लैंड ने बड़ा दांव खेला है। चोटिल रीस टॉपले की टीम में भरपाई पूरी करने के लिए तेज गेंदबाज ब्रांडन कार्स को टीम में शामिल करने के लिए बुलाया गया है। टॉपले को हाल ही में उंगली में चोट लगने की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। शनिवार को हुए इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच में गेंदबाज रिस टॉपले ने गेंदबाजी के हाथ में तर्जनी उंगली में चोट लग गई थी, जिसके बाद वह शेष वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ऐसे में अजय भारत के साथ होने वाले मुकाबले से पहले इंग्लैंड के ब्रांडन कार्स ने शामिल किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड ने कार्स को जोफ्रा आर्चर के ऊपर प्रायोरिटी दी है। आर्चर टीम के साथ पहले ही रिजर्व के रूप में शामिल हैं, लेकिन उन्हें टीम में लाने की जगह टीम मैनेजमेंट ने 28 साल के दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज ब्रांडन कार्स को बुलाया है। कार्स ने 2021 में इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने कुल 12 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 14 विकेट चटकाए हैं। हाल ही में सेप्टेम्बर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने T20 डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने इसी साल जुलाई में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 5 विकेट चटकाए। इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए सभी को प्रभावित भी किया था। मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2023 में 4 मैचों में से सिर्फ एक ही जीत सकी है, जबकि 3 मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड का अगला मुकाबला 26 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। भारत ने अभी तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और भी स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।